नमस्कार, मैं आपके साथ शगुफ्ता खान और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान। बीकानेर राज परिवार की अंतिम महारानी और राजमाता सुशीला कुमारी का शुक्रवार देर रात लालगढ़ स्थित अपने आवास पर निधन हो गया। सुशीला कुमारी का अंतिम संस्कार रविवार को सागर गांव में स्थित राज परिवार के शमशान घाट पर किया जाएगा। इससे पहले शनिवार को जूनागढ़ में उनकी पार्थिव देह आम लोगों के दर्शन के लिए रखी गई है। राज परिवार की रीति नीति के तहत ही उनका अंतिम संस्कार होगा। राजमाता सुशीला कुमारी की पोती और बीकानेर पूर्व सीट से विधायक सिद्धि कुमारी देर रात अस्पताल पहुंच गई थी। देश की आजादी के बाद भी राजतंत्र की परंपराएं निभाई जाती थी। ऐसे में साल 1950 में महाराजा शार्दुल सिंह के पुत्र राजकुमार करणी सिंह का राज्याभिषेक किया गया था। उसी समय सुशीला कुमारी को महारानी का सम्मान मिला। साल 1971 में जब प्रीवी पर्स जैसी व्यवस्था समाप्त हो गई थी, तब तक वो महारानी रही। महाराजा करणी सिंह के निधन के बाद उन्हें राजमाता के रूप में स्वीकार किया गया। पूर्व राज परिवार सहित बीकानेर में आम आदमी उन्हें राजमाता के रूप से ही संबोधित करता रहा। 6 सितंबर 1988 को महाराजा करणी सिंह के निधन के बाद से राज परिवार की सारी व्यवस्था सुशीला कुमारी ही संभालती रही। सुशीला कुमारी का जन्म 1929 में हुआ था। राज सिंह डूंगरपुर की बहन सुशीला कुमारी का जन्म डूंगरपुर राज परिवार में हुआ। उनका विवाह बीकानेर राज परिवार में हुआ। महाराजा करणी सिंह बीकानेर से 1952 से 1977 तक सांसद रहे। ऐसे में सुशीला कुमारी ने लोकतंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब उनकी पोती सिद्धि कुमारी बीकानेर पूर्व विधानसभा से पिछले 3 चुनाव में लगातार विधायक है। खास बात ये थी कि सुशीला कुमारी से मिलने वालों से राजस्थानी में ही बात करती थी। अगर कोई गलती से भी उनके आगे हिंदी अंग्रेजी में बात करता तो वो पूछ लेती थी कि राजस्थानी नहीं आती क्या। खासकर बीकानेर के स्थानीय लोगों से वो राजस्थानी में ही बात करना पसंद करती थी। राजमाता पिछले कई सालों से अस्वस्थ थी। उन्होंने आम लोगों से मिलना बंद कर दिया था। अस्वस्थता के बीच वो सामाजिक जिम्मेदारियां जरूर पूरी करती थी। बीकानेर के पुष्करणा समाज के सावे की अनुमति देना हो या फिर कोई अन्य राज परिवार कार्य हो, सुशीला कुमारी अब तक स्वयं मिलती थी। धौलपुर डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट में तैनात क्लर्क ने घर में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। महिला पिछले 1 साल से धौलपुर में रह रही थी। महिला ने अपनी ननद को काम का बहाना बनाकर ऊपर के कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद जब ननद नीचे आई तो महिला फंदे से लटके मिली। उसके चिल्लाने पर घर में मौजूद दूसरे लोगों ने उसको नीचे उतारा और जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। जानकारी के अनुसार नतबई भरतपुर निवासी तनु शर्मा 28, पत्नी गौरव शर्मा धौलपुर डीजे कोर्ट में बाबू के पद पर तैनात थी। वह पिछले 1 साल से निहालगंज थाना क्षेत्र में गडरपुरा मोहल्ले में किराए के मकान पर रहती थी। पिछले काफी दिनों से उसकी ननद तनु 24 साथ में रह रही थी। शनिवार को कोर्ट की छुट्टी होने पर उसने नीचे के कमरे की सफाई करने की बात करते हुए ननद को ऊपर के कमरे में भेज दिया और फंदा लगा लिया। थोड़ी देर बाद जब ननद नीचे के कमरे में आई तो वह फंदे से लटकी मिली। ननद के चिल्लाने पर घर में मौजूद लोग दौड़कर मौके पर आए और शव को नीचे उतार कर अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर थाना प्रभारी विजय मीणा टीम के साथ अस्पताल पहुंचे और शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का लग रहा है। कारणों की जांच की जा रही है। डीजे कोर्ट के बाबू के सुसाइड की सूचना मिलने पर साथ काम करने वालों के कर्मचारी भी अस्पताल पहुंचे। बाबू के साथ काम करने वाले स्टाफ ने बताया कि तनु शर्मा अपने काम को लेकर ईमानदार थी। वह पिछले कुछ दिनों से गुमसुम रहती थी। इसको लेकर साथी कर्मचारियों ने कई बार उससे पूछा भी, लेकिन उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। साथी स्टाफ ने बताया कि साल 2018 में कोर्ट में पोस्टिंग होने से पहले तनु शर्मा अकाउंट्स का काम करती थी। तनु शर्मा की शादी 1.25 साल पहले नतबई के रहने वाले गौरव शर्मा 30 के साथ हुई थी। पति गौरव शर्मा जयपुर कोर्ट में बाबू के पद पर तैनात है। तनु धौलपुर में किराए के मकान में रहती थी और उसका भाई कान्हा 26 उसके साथ रहता था। शिक्षा विभाग में LDC कान्हा की 22 फरवरी को शादी थी, जिसके कारण वो फिलहाल अपने घर गया हुआ था। अकेले होने के कारण उसकी ननद तनु उसके पास आई हुई थी। अजमेर जिले के नसीराबाद में आबकारी थाना पुलिस द्वारा नेशनल हाईवे 48 पर कोटा बाईपास चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान अवैध अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक पकड़ा है। ट्रक में भरी अवैध अंग्रेजी शराब की 665 पेटियां बरामद कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आबकारी पुलिस आरोपी से शराब से संबंधित पूछताछ कर रही है।
नसीराबाद आबकारी थाने के अधिकारी रामगोपाल ने बताया, शुक्रवार को मुखबिर से सूचना मिली कि जयपुर की ओर से आ रहे एक ट्रक कंटेनर में भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब तस्करी कर ले जाया जा रही है, जिस पर अतिरिक्त आबकारी आयुक्त राजेंद्र सिंह राठौर, आबकारी अधिकारी महावीर कुमार राठौर और जिला आबकारी अधिकारी तारामती वैष्णव के निर्देश नेशनल हाईवे स्थित कोटा बाईपास चौराहे पर मैस जाब्ते के नाकाबंदी की गई तथा कुछ ही देर में मुखबिर द्वारा बताए गए नंबरों का ट्रक कंटेनर आने पर उसे रोककर उसकी तलाशी ली गई। जयपुर कंटेनर में 365 पेटियां विभिन्न अंग्रेजी शराब की महंगी ब्रांड की पेटियां भरी पाई गई, जिस पर आबकारी टीम ने ट्रक चालक ग्राम चार्टर सेटराउ रामसर बाड़मेर निवासी भूरा राम पुत्र पनाराम को गिरफ्तार कर ट्रक कंटेनर को अवैध शराब सहित जब्त किया है। आबकारी पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर की रामगंज थाना पुलिस ने 13 साल की नाबालिग से अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी कलर पेंटर को गिरफ्तार किया है, जिस कोर्ट में पेश कर पुलिस अग्रिम अनुसंधान में जुटी है। आरोपी के द्वारा पीड़िता को बहला फुसला कर उसका मोबाइल नंबर ले लिया, बाद में एक अन्य स्थान पर बुलाकर अश्लील हरकतें करने की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पीड़िता की मां ने रामगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। रामगंज थाना प्रभारी सतेंद्र नेगी ने बताया कि नाबालिग से अश्लील हरकत करने के मामले में पीड़िता की मां ने 2 मार्च को थाने पर उपस्थित होकर मुकदमा दर्ज करवाया था। मामले में मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया गया और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। टीम ने कार्रवाई करते हुए डिग्गी बाजार निवासी आरोपी विक्की 22 पुत्र फूलचंद को गिरफ्तार किया है। आरोपी शहर में कलर पेंटिंग का काम करता है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज है। रामगंज थाना पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर अग्रिम अनुसंधान में जुटे हुए हैं। 13 साल की नाबालिग से अश्लील हरकत करने के मामले में पीड़िता की मां ने 2 मार्च को रामगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। पीड़िता की मां ने शिकायत में आरोप लगाते हुए बताया कि कलर पेंटिंग का काम करने वाले विक्की नाम के व्यक्ति द्वारा उसकी बेटी को बहला फुसला कर मोबाइल नंबर लिए गए थे, बाद में उसे अन्य स्थान पर बुलाकर उसके साथ अश्लील हरकतें की गई। इसकी जानकारी जब उन्हें लगी तो उनके द्वारा विक्की से समझाइश की गई, लेकिन आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया गया। धमकियों से परेशान होकर रामगंज थाने में शिकायत दी गई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सामाजिक कार्यों और बालिका शिक्षा में अग्रणी फाउंडेशन फ्योर दी लोटो संस्था पुष्कर का सिलाई मशीन वितरण समारोह आज शाम को आयोजित हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत फरमाए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संस्था के अध्यक्ष ज्योति स्वरूप महर्षि से संस्थान की गतिविधियों की जानकारी ली, जिसके बाद मेघवाल ने संस्था द्वारा किए जा रहे कामों को सराहते हुए संस्था द्वारा स्किल डेवलपमेंट के कार्य किए जाने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगामी मन की बात कार्यक्रम में इस आयोजन को सम्मिलित करके सुझाव भेजेंगे। उन्होंने कहा, महिलाओं का एक दिन नहीं अपितु सभी दिन महिलाओं को समर्पित है। इस दौरान मंच से केंद्रीय मंत्री ने जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण भी किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि तीर्थराज पुष्कर के विकास का मुद्दा संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय में पूर्व से आ चुका है। प्रसाद योजना के अंतर्गत 33 करोड़ रुपए पुष्कर विकास के लिए मंजूर भी किए गए हैं। पुष्कर से परिक्रमा मार्ग का विकसित करने की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री ने DPR देने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सभी श्रद्धा केंद्रों के विकास किए जा रहे हैं। पुष्कर के विकास में भी केंद्र सरकार कोई कमी नहीं आने देंगी। संस्था के अध्यक्ष ज्योति स्वरूप दीपू महर्षि ने बताया कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज संस्थान की ओर से मालियान मंदिर में आयोजित समारोह में करीब 185 महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की गई। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि रहे। अध्यक्षता सांसद भागीरथ चौधरी ने की। विशिष्ट अतिथि विधायक सुरेश सिंह रावत तथा अतिथि विशिष्ट अतिथि के रूप में पुष्कर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक ने शिरकत की। कार्यक्रम में संस्था गुरु ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाशनाथ दाधीच एवं वास्तुविद पंडित राकेश ओझा आशीर्वाचन दिए। इस दौरान संस्था अध्यक्ष दीपू महर्षि, शिव स्वरूप महर्षि, मनोहर सिंह राठौर, कमल अग्रवाल, नरपत सिंह राजपुरोहित, गोविंद राम सहित मौजूद रहे। बता दें कि संस्था द्वारा विगत वर्ष 2013 से बालिका शिक्षा सहित विभिन्न सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाई जा रही है। राजस्थान में नए जिलों की घोषणा पर ब्रेक लग गया है। यह मामला सरकार ने एक बार फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया है।
दरअसल नए जिलों के गठन को लेकर सरकार को सुझाव देने के लिए रिटायर्ड आईएएस रामलुभाया की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार देर रात हाई पावर कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीएम अशोक गहलोत ने पिछले साल के बजट में नए जिले बनाने के लिए हाई पावर कमेटी बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद 21 मार्च 2022 को रामलुभाया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ। पहले 6 माह में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन 2 बार कार्यकाल बढ़ाया गया। इस बार 13 मार्च को इस कमेटी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 2 दिन पहले इसे फिर 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने रामलुभाया कमेटी का कार्यकाल 13 सितंबर तक के लिए बढ़ाकर यह साफ संकेत दिए हैं कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक सरकार नए जिलों की घोषणा नहीं करेगी। सरकार का तर्क है कि नए जिलों के प्रस्तावों पर कलेक्टर से सूचना एकत्र कर परीक्षण करने, उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट पेश करने में समय लगना संभावित है। इसे देखते हुए कमेटी के कार्यकाल को बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 17 मार्च को विधानसभा में वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देंगे। इस दौरान यह अनुमान था कि गहलोत नए जिलों की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन अब इसकी संभावना खत्म हो गई है, क्योंकि सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट में समय लगने का तर्क देकर फिलहाल सभी संभावना पर ब्रेक लगा दिया है। राजस्थान में 24 जिलों की 60 जगहों से नए जिलों की डिमांड है। रामलुभाया कमेटी के पास 60 जगहों के नेता अलग अलग ज्ञापन देकर नए जिलों की डिमांड रख चुके हैं। जिलों की मांग जनता का भावनात्मक मुद्दा है। बताया जाता है कि सीएम ने नए जिलों के सियासी फायदे नुकसान पर फीडबैक लिया था। इस फीडबैक में फायदे से ज्यादा नुकसान की बात सामने आ रही है, इसीलिए फिलहाल के लिए मामला टालना ही उचित समझा गया है। प्रदेश में जिले की डिमांड के साथ विवाद भी बहुत है। कई जिले ऐसे हैं जहां से 3 से 4 जगह से डिमांड है। एक जगह की डिमांड पूरी करते हैं तो 3 क्षेत्रों के लोग नाराज होते हैं, इसीलिए पूरे प्रदेश में नए जिलों से नाराजगी का भी खतरा था। बताया जाता है कि चुनावी साल में सरकार ऐसा कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती जिस पर लोग नाराज हो जाएं। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में सेंपो बाईपास पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस और पंचगांव चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों की हालत गंभीर होने पर उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हेड कांस्टेबल प्रदुमन सिंह ने बताया कि जसराम 22 पुत्र राजेंद्र, राजकुमार 24 पुत्र रूप सिंह और पप्पू पुत्र योगी हरि शुक्रवार को अपने गांव कांजीपुर से बाइक लेकर चित्तौरा में जोरावन के मेले में जा रहे थे। इस दौरान बाईपास पर उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और फरार हो गए। इस दौरान वाहन से गुजर रहे कुछ लोगों ने पुलिस को सड़क पर युवकों के घायल पड़े होने की सूचना दी। इस पर ट्रैफिक पुलिस और पंचगांव चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद जसराम को मृत घोषित कर दिया, जबकि राजकुमार और पप्पू को प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने रात को युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया और अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। नाबालिग मंगेतर से निकाह से पहले नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर रेप करने और 2 बार गर्भ गिरवाने का मामला पाली में सुमेरपुर थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुमेरपुर SHO रामेश्वर भाटी ने बताया कि एक महिला ने थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि उसके 17 साल की नाबालिग बेटी की सगाई जवाई बांध निवासी मोहम्मद कैफ पुत्र सत्तार भाई के साथ की गई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि बेटी बालिग होने पर निकाह किया जाएगा। सगाई के बाद मोहम्मद कैफ उनकी बेटी से फोन पर बात करने लगा। करीब 3-4 महीने पहले कैफ घर आया और अपने मम्मी पापा से मिलाने का बहाना बनाकर उनकी बेटी को जवाई बांध अपने घर ले गया, लेकिन परिवार के लोग घर पर नहीं थे। नाबालिग बेटी ने पूछा तो कहा कि पास में गए थे, अभी आ जाएंगे। रिपोर्ट में बताया कि कैफ ने उनकी नाबालिग बेटी को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया, जिससे उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गई। आरोप है कि बेहोशी की हालत में उनकी बेटी से मंगेतर कैफ ने रेप किया और उसे अपने मोबाइल से उसकी अश्लील फोटो वीडियो बनाती है और किसी को कुछ भी बताने पर वायरल करने की धमकी दी और कहा कि कुछ दिनों बाद तेरे से शादी कर लूंगा। रिपोर्ट में बताया कि 3 मार्च 2023 को उनकी बेटी ने कैफ की और से मानसिक रूप से परेशान करने से तंग आकर सारी बातें मुझे बताई। कहा कि अभी भी मोहम्मद कैफ कॉल कर धमकियां दे रहा है कि मेरे पास पिस्टल है, जिससे तुझे और तेरे परिवार की जान को खतरा है, मैं उन्हें मार दूंगा। महिला ने बताया कि उक्त घटना की जानकारी कैफ के परिजनों को बताई तो उन्हें धमकाया गया।
2 मार्च की शाम को कैफ कुछ लड़कों के साथ उनके घर पर आया और पुलिस कार्यवाही करने पर उनकी बेटी की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट में बताया कि इसके बाद भी कैफ ने उनकी बेटी को अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर अलग अलग जगह से जाकर कई बार रेप किया, जिससे उनकी नाबालिग बेटी 2 बार गर्भवती हो गई। कैफ और उसकी मां ने उसकी बेटी को धमकाया और गोली देकर गर्भपात करवाया। पत्नी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने टीचर पति का अंगूठा काट दिया। इसके बाद मारपीट कर बदमाश बाइक से भाग गए। टीचर ने हॉस्पिटल जाकर अंगूठे का ऑपरेशन करवाया। मामला पाली के तखतगढ़ का है। तखतगढ़ SHO ने बताया कि तखतगढ़ के गणपति कॉलोनी में रहने वाले 56 साल के रमेश कुमार पुत्र बाबूलाल सुधार ने मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया है कि वे पेशे से टीचर हैं। 6 मार्च की रात करीब 8:30 बजे वे अपनी पत्नी माहेश्वरी देवी के साथ खेड़ावास रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था। रास्ते में पीछे से बाइक पर 2 युवक आए और गालियां देने लगे। लड़कों को टोका तो बाइक से उतरकर मारपीट करने लगे। एक युवक ने अपने दांतों से उनके अंगूठे को काट लिया, इससे अंगूठे के 2 टुकड़े हो गए। दूसरे युवक ने उनके सिर पर मारा। इसके बाद दोनों भाग गए। टीचर ने बताया कि टूटे अंगूठे के टुकड़े को लेकर वे संजीवनी हॉस्पिटल सुमेरपुर पहुंचे। डॉक्टरों को अंगूठे को फिर से जोड़ने के लिए ऑपरेशन करना पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोनों बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान, नमस्कार।